नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं बहुत ही सुंदर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि ऐसी ऐसी जानकारी जो है आप लोगों के पास में डायरेक्ट मिलती रहती है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बहुत सभी लोग कमेंट करते हैं कि सर ये बताइए कि खाना खाने के बाद में हमारा पेट जो है वो क्यों दर्द करने लगता है, तो उसके बारे में हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बेगर भगाए हुए जरूर देखिएगा, अंत तक वीडियो देखिएगा तो आप लोगों को कोई भी बात जो है वो अच्छा से समझ में आएगी। दोस्तों बहुत सभी लोग क्या करते हैं कि खाना खाने के बाद में ये जो दाहिना हाथ है उसको क्या करते हैं कि नीचे कर देते हैं और बायां हाथ को ऊपर करके सो जाते हैं ऐसे, इसीलिए जो है वो पेट में दर्द हो जाती है। तो इसको बिल्कुल नहीं करना है, वैसे करने से तकलीफें जो है वो बढ़ जाती है। कभी भी बायां हाथ नीचे करके सोना है दोस्तों, पीठ नीचे करके सोना है। तीसरा नंबर 10-15 मिनट हो जाए उसके बाद में कोई भी काम हो तो काम में लगना है। और दोस्तों कहीं पर भी है, अगर तबीयत खराब है या किसी तरह से शरीर में तकलीफ है तो अपने नजदीकी डॉक्टर से जाकर के जरूर सलाह लेना चाहिए। अगर आप लोग सलाह नहीं लेंगे तो आप लोगों को तकलीफें जो है वो ज्यादा बढ़ सकती है। तो ये बात जो है आप लोग ध्यान में जरूर दीजिएगा। और हम बताने वाले हैं कि डांड में दर्द, पीठ में दर्द आजकल क्यों हो जाता है। जो लोग अरवा चावल ज्यादा खाना पसंद करते हैं उन्हीं लोगों को डांड में पीठ में दर्द हो जाती है। तो दोस्तों आप लोग अरवा चावल अगर खाना पसंद ज्यादा करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि अच्छा से सब्जी बनाना होगा, उसमें ज्यादा तेल मसाला और लहसुन डाल करके ऐसे बना करके आप लोग खाएंगे तो कोई प्रकार की दिक्कत जो है आप लोगों के शरीर में उत्पन्न नहीं होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि ऐसी जानकारी आप लोगों के पास तक डायरेक्ट मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, जहां भी रहें वहां बने रहें। माता दुर्गा जी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों की दुख बीमार जितना भी है वो हमेशा के लिए मिट जाए। दोस्तों थैंक यू दोस्तों।